जोहार जोहार फुलोदी जोहार परतुदा कृषि दर्शन करी खास अंक में रोरे मनकर बहुत बहुत स्वागत है परतुदा। हाँ। कार्यक्रम कर तो शुरुआत हो गई लखे अब जानकारी कर भी फटाफट शुरुआत कर दे एकदम बिल्कुल एकदम सच कहती रहो रे और एकदम कार्यक्रम कर तो शुरुआत करके है नेकी और पूछ पूछ तो चलो किसान भाई मन हमरे सबसे पहले जाने ला देश दुनिया कर खेती बाड़ी से जुड़ल तमाम तरह के खबर के कृषि समाचार नमस्कार कृषि समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं 50% अनुदान। सर्दी के मौसम में दे अपने मवेशियों को संतुलित आहार। प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड द्वारा आसानी से होता है कंपोस्ट निर्माण। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का वर्मी कंपोस्ट की प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना को जहां से एक ओर राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति यूनिट के निर्माण पर जैसे पक्का वर्मी बेड 75 घन फीट की क्षमता वाला यूनिट के लिए 3000 और HDPI बर्मी बेड 96 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि या निर्माण की 50% राशि लाभुकों को दी जाएगी। किसान भाई बर्मी बेड के निर्माण के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम मौसम के अनुसार उनके खान पान में परिवर्तन लाएं। वर्तमान समय चल रहा है सर्दियों का, इस समय अपने दुधारू पशुओं को क्या क्या और कितनी मात्रा में खिलाएं ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और वे दूध उत्पादन भी सही मात्रा में दें। आइए इसी विषय की जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, यदि आप टमाटर की फसल लगाने की इच्छुक हैं तो अच्छी उपज पाने के लिए स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा और अर्का मेधाली नामक टमाटर के प्रभेद लगा सकते हैं। ये प्रभेद कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित हैं और अच्छी उपज भी देती हैं। टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों की बुआई करना चाहिए। झारखंड के वातावरण में टमाटर की अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद हैं स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा और अर्का मेघाली। इनके 500 से 600 ग्राम की दर से बीजों की बुआई कर 200 से 250 क्विंटल टमाटर की उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी नवंबर का समय आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में आप टमाटर का बिचड़ा जो उगा चुके हैं उसको रोपाई वगैरह कीजिए। टमाटर की उन्नत किस्में हैं स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा, अर्का मेघाली, यह सब बहुत उन्नत किस्म है, इसकी खेती आप जरूर करें। मिर्च की फसल में एक रोग लगता है सिकुड़न रोग। ये रोग बहुत तेजी से खेत में लगे सभी पौधों को अपनी चपेट में ले लेता है जिससे उपज में भारी कमी आ जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए क्या उपाय करें, आइए जानने के लिए चलते हैं कृषि वैज्ञानिक के पास। मिर्चा में किसान भाइयों, देखिए बहुत सारे किसानों से के खेत में आपका सिकुड़न रोग हो जाता है जो विषाणु जनित रोग है। इसका लक्षण जैसे ही आपको खेत में लगे सिकुड़न रोग आ गया है आपका पौधा में, तो उसको उखाड़ के सीधे मिट्टी से ढक दें, क्योंकि आपका एक पौधा से दूसरा दूसरा एक पौधा सफ़ेद मक्खी के रस चूस के दूसरा स्वस्थ पौधा में बैठती है, उसके चलते फैलता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप कोई भी कीटनाशी, ज़्यादातर इमिडा क्लोरोपीट का ही व्यवहार किया जाता है जो 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही
उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। युवा कृषक हूं और मैं पढ़ाई भी करता हूं, साथ में कृषि विभाग से भी जुड़े हुए हैं और मैं इस कृषक के तौर पर धन वगैरह सब भी बहुत कुछ बगान वगैरह सब लगाते हैं और उसी से हम पढ़ाई भी कर रहे हैं उसी पैसा से और उसी से धन सब भी रोपते हैं और उसी से ही मुनाफा हो रहा है और उसी से काम चला रहे हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। चाईवासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ी तेज रही। दलहनी अनाजों में ये तेजी देखने को मिली, वहीं सब्जी मंडियां सामान्य रही। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए, चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए, गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए, दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए, चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए, आलू न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन एखन रौरे मन जान ली कृषि समाचार में बहुत कुछ जानकारी रौरे मन प्राप्त कर ली, जेकर में जान ली कि एखन खेती बाड़ी में का चलत है। हाँ, है ने? संगे संगे मंडी कर भाव कर भी पता चल लग और साथ ही साथ एखन मौसम कर मिजाज का चलत है सिकरो बारे में भी घर बैठले मन के पता चल। बिल्कुल सही कहा थी। तो किसान भाई मन जानकारी एखन और सारा है, लेकिन ऊपर से पहले लेवती छोटे कुन विराम। विराम कर बाद रारू मन से तुरते मिलती। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परतुदार रौरो, एक बार स्वागत रौर के भी बहुत स्वागत है फुलो जी। तो देखो हर बार रौरे हम के बकवाए देवे जानकारी और एखनो हम के पता नहीं होले कि आज का जानकारी है। जी पापा, ऐसे तो किसान भाई मन खेती बाड़ी करे ना जी, लेकिन खास करके रौर के बताए देवे थे कि टमाटर और बैगन
कर जे खेती करे ना एखन करले हो भाई एखन टमाटर बैगन कर एखन फसल भी लहलहात होवे एखन है ने बिल्कुल तीकर में किसान मन के ध्यान रखे चाहे कि ओकर में जे रोग लागेला और जे कीट लागेला इकर बारे में उनके विशेष ध्यान रखे चाहे एकदम बहुत बढ़िया बात रोरे मन कहली कि किसान भाई बहन मन कर एखन जैसे टमाटर बैगन कर फसल लहलहात है अगर इस समय में रोग नियंत्रण कर बारे में अगर बढ़िया से जानकारी ले लेबे और एखने से अगर ओकर देखभाल बढ़िया तरीका से करबे तो फसल एकदम बढ़िया से होगी तो चलो इकरे बारे में हमरा जानकारी लेबे थी काले देरी करब चलो विशेषज्ञ भी हम इनकर साथ मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार साथी जी जेकर से बढ़िया से विस्तार से जानकारी लेवत थी इकर बारे में किसान भाइयों नमस्कार कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है किसान भाइयों कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में आई हुई है किसान भाइयों आज हम बात करेंगे टमाटर एवं बैंगन में रोग एवं कीट नियंत्रण के बारे में और इस विषय पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर संजय कुमार साथी जी डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है नमस्कार डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि टमाटर में कौन कौन से कीट एवं रोग लगते हैं टमाटर में मुख्य रूप से आपका रोग जो है आपका लगता है मुरझा रोग जी। जो पौधा ऊपर से धीरे 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 पूरा सूख जाता है जिसके लिए किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं मुरझा रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा वेरिडी करके आता है एक किलो का पाउडर उसको 40 से 50 किलो सड़ा हुआ गोबर में मिला दें यदि सूखा है गोबर तो उसमें थोड़ा सा पानी से मिला के नमी कर दें और इसको छाया जगह में पूरा मिला के रख दें इसके बाद 15-20 दिन में ही जो ट्राइकोडर्मा है पूरा गोबर में फैल जाता है फैलने के बाद इसका 100 ग्राम मात्रा जहाँ पर आप टमाटर बैंगन या मिर्च तीनों में इसका प्रयोग होता है मुरझा रोग जिसका टमाटर में भी मुरझा रोग आता है वही मुरझा बैंगन में भी आता है मिर्च में क्योंकि तीनों एक ही परिवार का है सोलेनेसी फैमिली का इसलिए तीनों में एक ही रोग आता है मुरझा रोग तो इसके लिए जहाँ पर थाला बनाए हैं टमाटर लगाने के लिए या बैंगन लगाने के लिए वहाँ पर 100 ग्राम दे दीजिए उसके बाद बैंगन लगाइए तो इससे मुरझा रोग का नियंत्रण हो जाता है जी ये तो टमाटर और बैंगन में मुरझा रोग के बारे में टमाटर और बैंगन में कौन कौन से कीट हैं जो लगते हैं टमाटर और बैंगन में फल छेदक कीड़ा का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है ज़्यादातर तो बैंगन में फल छेदक कीड़ा का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है और किसान भाई ज़्यादातर देखा गया है जब फसल में फल आने लगता है उस समय जब कीड़ा आ जाता है तो दवा का छिड़काव करते हैं उस समय नियंत्रण नहीं हो पाता है इसके लिए किसान भाइयों को शुरू से तैयार होना पड़ेगा जैसे आप बैंगन का टमाटर का पौधा लगाए लगाने के 20 से 25 दिन के बाद से ही कार्बोफ्यूरन करके दवा आता है कार्बोफ्यूरन 3G इसका 1 से 2 ग्राम मात्रा प्रति पौधा के जड़ में दे देना है जब एक बार 20 से 25 दिन होगा तब फिर 10 दिन बाद मतलब 35 दिन में फिर एक बार 45 दिन में प्रति पौधा 1 से 2 ग्राम उसके जड़ में उसका सिंचाई कर दें तो ऐसा यदि करते हैं तो उससे क्या फल एवं तना छेदक कीड़ा का प्रकोप नहीं होता है जी इसके अलावा भी हम टमाटर एवं बैंगन में कोई कीट हैं जो लगते हैं बैंगन टमाटर में लाही कीड़ा का प्रकोप होता है इसके लिए किसान भाई मिथाइल डिमेटोन 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं इससे इसका नियंत्रण हो सकता है दूसरा बैंगन में एक माइट जिसको लाल मकड़ी माइट बोलते हैं वो छोटा छोटा रहता है एकदम उसके पत्ती के नीचे रस चूसता है जिससे पौधा एकदम आपका सूख जाता है और फलन आपका कमी आ जाता है जिससे उपज में भारी कमी आता है तो इसके लिए किसान भाई जो माइट आता है लाल मकड़ी माइट छोटा छोटा होता है इसके लिए आपको डाइकोफोल करके आता है दवा डाइकोफोल इसका आप लोग 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसको छिड़काव कर दें तो इससे कंट्रोल हो जाएगा टमाटर एवं बैंगन में एक ही प्रकार के कीट लगते हैं या अलग 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 लगते हैं जैसे माइट आपका बैंगन में ही आता है टमाटर में नहीं आता है अच्छा दूसरा आपका बैंगन में रोग जो आता है फल सड़न रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा आता है जैसे आपका डंठल है वहाँ से सड़ेगा फल में सड़ेगा और गिर जाएगा तो फल सड़न रोग जैसे आपका टमाटर में भी होता है उसका डंठल में काला काला हो जाएगा उसका फल में धब्बा धब्बा टाइप का हो जाएगा तो सड़ाता है जिससे फल जो है गिर जाता है ठीक से फल का मार्केट वैल्यू घट जाता है तो इसके लिए किसान भाइयों को मेटालेक्जिल करके दवा आता है मेटालेक्जिल और इसका व्यापारिक नाम इसे आपका रिडोमिल भी जाना जाता है कंपनी अलग अलग से लेकिन मेटालेक्जिल इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें और 1 सप्ताह के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव कर दें तो ये पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाएगा फल सड़न रोग जी
डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि प्रारंभिक स्तर पर ही हमारे किसान भाई कैसे पहचान जाएंगे कि हमारे पौधों में कोई रोग या कीट लग रहा है? प्रारंभिक अवस्था में जैसे किसान जैसे फल एवं तना छेदक कीड़ा जो बैंगन में लगता है, जो तना को देखेंगे तो तना में जैसे ऊपर का हिस्सा है गिर जाता है और यहाँ पर छेद हो जाता है, ठीक है, वही फिर धीरे धीरे फल में भी लगता है। तो जो पत्ता ऊपर वाला सूख गया मतलब गिर गया है, वो छेदा नज़र आएगा। तो आपको आपको समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में तना एवं फल छेदक कीड़ा का प्रकोप हो गया है। और ये तो बैंगन की बात हुई, टमाटर में? टमाटर में भी जैसे आपका फल में छेदा टाइप का लगेगा, फल डैमेज लगेगा, बोर किया हुआ मिलेगा, तो इससे लग जाएगा आपका फल छेदक कीड़ा का प्रकोप हुआ है। तो इसलिए किसान भाइयों को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि नीम का खल्ली जैसे हो गया, करंज का खल्ली जैसे हो गया, ये प्रति पौधा 50 ग्राम करके जब रोपाई करते हैं बैंगन टमाटर मिर्च या कोई भी पौधा, तो इससे एक तो खाद पोषक तत्व का भी काम मिलेगा पौधा को, दूसरा इससे कीट जो ज़मीन के अंदर कीट नियंत्रण का भी काम करता है, और दूसरा इसका रस जो आपका जड़ से पौधा में जाता है उससे कीड़ा का भी बढ़वार घट जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई रोग होने के बाद हमारे पौधों को बचाने के उपाय, हमारे किसान भाई ऐसा क्या करें कि रोग प्रारंभ ही ना हो उनके टमाटर एवं बैंगन के फलों में या फिर पौधों में? इसके लिए किसान भाई सबसे पहला तो जब बैंगन का बीज लेते हैं, यदि बीज उपचारित किया है, बीज नहीं है वो लिखा रहता है, यदि बीज उपचारित नहीं है तो आप बीज उपचार करके लगाएं, जैसे आपका मेटालेक्जिल का 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचार करके लगाएं, और उसको जैसे बीज उपचार करने का तरीका है कि 1 किलो बीज हुआ उसमें 2.5 ग्राम एक चुटकी आप डाल दीजिए और हल्का पानी उसको मिला दीजिए और छाया जगह में पेपर फैला के उसको सुखा दीजिए, तो इससे आपका दवा का प्रवेश हो जाएगा। उसके बाद जहाँ बिछड़ा आप तैयार करते हैं वहाँ उसको गिरा दीजिए, तो इससे आपका बीज उपचारित हो जाएगा, ये एक टीकाकरण हो गया, और इससे आपका बाद में रोग जो फल सड़न रोग या जैसे बहुत सारा बैंगन में देखिएगा लगा दिए लेकिन उसके जड़ के सामने काला काला हो जाएगा और गिर जाता है, तो ये सब चीज़ आपका नहीं होगा। तो ये सब क्या बीज उपचारित करना चाहिए और उसको बिछड़ा तैयार करें। दूसरा, आप शुरू से जैसे कीट हुआ या रोग का प्रकोप के लिए किसान भाई कीड़ा के आक्रमण के बचाने के लिए आप नीम आधारित जो भी कीटनाशी है उसका पौधा के 20 दिन 25 दिन के बाद से रेगुलर आप स्प्रे करिए। बहुत सारा नीम प्रोडक्ट है, नहीं तो नीम बीज का जो चूर है 1 किलो नीम का बीज को 20 लीटर पानी में चूर करके रात भर भिंगाइए और तो उसको कपड़ा से छान के छान लीजिए, उसके बाद छिड़काव कीजिए किसी भी फसल में, सब्जी ही नहीं किसी भी फसल में रेगुलरली, जब 20 दिन का उम्र हो जाएगा उसके बाद से 10 दिन के अंतर में, तो इससे भी कीड़ा का प्रकोप नहीं होगा। किसान भाइयों, आशा करते हैं आप डॉक्टर संजय द्वारा दी गई जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और अपने खेतों में टमाटर एवं बैंगन की अच्छी खेती प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो परतुदाई जानकारी देखो हमको बहुत बढ़िया लगलक, बहुत अच्छा रहलक, एकदम बहुत बढ़िया रहलक कि एखन खेत में जे एखन फसल लहलहा थे ओकर बारे में अगर बढ़िया से एखन जानकारी हम इनके घर बैठले मिल गेलक तो कम बढ़िया होलक, बताओ तो। एक से किसान मन के ज्यादा से ज्यादा फायदा भी हो, फायदा होवे तो एखन तो हमरे खरीफ कर जे फसल लगाए रही से तो अब कटे जाते और रबी कर भी मौसम आ गेल, एकदम बिल्कुल सही कहती। और ई मौसम में कम से कम जे खेती बाड़ी करे हैं और खास करके जे मक्का कर खेती करे हैं जैसे मकई कर, एकदम बहुत बढ़िया, मकई कर नाम करके तो रहो एकदम हमर मुंह में पानी ले आले क्वेश्चन बात है। तो फिर चलो हमरे जानकारी लेवत थी किसान भाई मन कि मकई कर खेती रहे उन्नत तरीका से कैसे करबा, इकर बारे में जानकारी लेवत थी हमरे के विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने विषय चुना है रबी मक्का की खेती, उन्नत खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश प्रसाद यादव जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि रबी के मौसम में मक्का की उन्नत खेती कैसे करें? जी हाँ, अभी जो चल रहा है वो खरीफ का लगभग समापन होने वाला है और साथ ही रबी का भी शुरुआत हो गया है। मक्का की फसल मुख्यतः खरीफ में करते हैं, इसके अलावा अगर पानी की उपलब्धता है तो रबी मक्का की भी खेती हम लोग किसान को सलाह देते हैं कि करिए। इसके लिए उन्नत किस्म में आता है स्वान कंपोजिट 1,
बिरसा विकास मक्का 2 और जहाँ तक संकर किस्म की बात है उसमें HQPM 1 और विवेक हाइब्रिड 9, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4। इसके अलावा भी और किस्म जो संकर में है वो है प्रबल। इस तरह से हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि अगर रबी की मक्का की खेती करना है तो वहाँ करें जहाँ थोड़ा सा भी सिंचाई की व्यवस्था हो। जी जी जी, ये तो हो गई उन्नत किस्मों के बारे में। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताए कि लगाने का दूरी क्या होगी और उचित दर क्या होगी। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जहाँ तक मक्का के लगाने की बात है तो रबी सीजन में 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा के बीच की दूरी होनी चाहिए। जहाँ तक खरीफ की बात है तो खरीफ में 75 सेंटीमीटर कतार से कतार और 25 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी होनी चाहिए। और जहाँ तक बीज का दर की उपलब्ध है, बीज दर की बात करें तो 30 केजी प्रति हेक्टेयर और उर्वरक की मात्रा नेत्रजन, फॉस्फोरस, पोटास 120-60-40 किलो प्रति हेक्टेयर की दाल से डालना चाहिए। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सिंचाई का कम से कम वो कैसे प्रबंध करें और किस अवस्था में मक्का, रबी मक्का की खेती के लिए वो सिंचाई करें। ऐसा है कि अगर हम लोग लाइन में सोइंग करते हैं तो उपज में वृद्धि होती है, साथ ही बीज दर भी कम लगता है। और जहाँ तक खर पतवार की समस्या है तो उसको भी निकालने में बहुत ही आसान होता है, साथ ही सिंचाई में भी बहुत ही आसान होता है। और मक्का की खेती के लिए 2 सिंचाई ही अच्छी उपज के लिए काफ़ी है। जहाँ तक प्रथम सिंचाई की बात है तो प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले यानी टेसल, और दूसरा जो यानी और साथ ही उसके बाद जो कॉब निकलता है उस समय ज़रूरत है। बाकी उसके मैच्योरिटी के समय में यानी परिपक्वता आने से पहले जब उसमें दाना भरने लगता है उस समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले एक सावधानी अवश्य लेनी चाहिए, जब 1.5 से 2 महीना का फसल हो जाए मक्का का बुआई का तो उसमें मिट्टी की चढ़ाई करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं यानी टॉप ड्रेसिंग जो है ज़रूर करना चाहिए। और उसको उचित खाद जैसे आप यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करें इसके लिए 50% बुआई के समय में और 50% जो रखते हैं वो टॉप ड्रेसिंग से उस मिट्टी चढ़ाने के समय में उस उर्वरक का उपयोग करें। और जब वो कमर के बराबर लगभग उसकी ऊंचाई हो जाए मक्का का तब किसान भाइयों को मैं एक सलाह दूंगा कि उसमें एक तरह का कीड़ा लगता है, बहुत तरह का कीड़ा लगता है, और उसके बचाव के लिए एक साधारण सी दवा जो सभी जगह उपलब्ध है वो है कार्बोफुरान 3G या फोरेट 10G। जब पौधा में टसल लगता है उससे पहले बाली कॉब होने से पहले, ये बहुत बड़ा स्टेज है जो कि पहचानना बहुत आसान है, कमर के लगभग ऊंचाई हो जाए तो पौधा में क्या होता है कि पत्ता जो है एक चक्रीय चक्र के जैसा चारों साइड से पत्ता हो जाएगा, तो उस पत्ता में कार्बोफुरान 3G या फोरेट 10G 10 से 12 दाना प्रति पौधा में अवश्य डालें। उससे किसी भी तरह का कीट का प्रकोप आगे नहीं होगा और जिससे उपज में वृद्धि होगी। ऐसा देखा गया है कि उस दवा का व्यवहार नहीं करने से उसमें एक तरह का कीड़ा जो डंठल को भी ख़त्म करता है, साथ ही फल यानी कॉब को भी बर्बाद करता है। तो उसकी बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि कार्बोफुरान 3G या फोरेट 10G 10 से 12 दाना अवश्य जब पत्ता चक्रीय अवस्था में रहे उस समय अवश्य डालें। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बीजोपचार कैसे करेंगे। जी हाँ, बीजोपचार के लिए है कि सबसे पहले बुआई से पहले ही आप कार्बन डाइजीम जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करके उसकी बुआई करें, जिससे किसी भी तरह का रोग लगने से सुरक्षित रहता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जब पौधा 2-2.5 फीट का हो जाता है तो उसमें खरपतवार होते हैं, तो उसका नियंत्रण वो कैसे करेंगे। जी हाँ, ऐसा देखा गया है कि 1.5 से 2 महीना
कि जब हो जाता है तो उसमें खर पतवार की समस्या बहुत हो जाती है। उसके लिए हम लोग करते हैं, जब मिट्टी चढ़ाते हैं उसी समय उसके खर पतवार को सहित मिट्टी को उल्टा देते हैं, जिससे उसके अलग से सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही पहले यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खर पतवार की समस्या है तो उसे मैनुअली यानी हाथ से निकाल देना उचित होता है। उसके बाद उसमें खाद डालें, उर्वरक डाल के मिट्टी का ऊपर से चढ़ाई जड़ में कर दें, जैसे पौधा पलट नहीं खाता है, हवा के झोंकों से गिरता नहीं है। ये बहुत बड़ी सावधानी है। इसके अलावा मक्का में बहुत सारी सावधानी नहीं है, कम खर्च में अच्छी लागत, कम खर्च में कम लागत में अच्छी उपज मिल जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, जब मक्का में बाली जब लग जाती है तो उसमें कीट लग जाते हैं और बाली को जो है खा जाते हैं, तो उस पर हमारे किसान भाई नियंत्रण कैसे करेंगे? जी हाँ, मैं तो पूर्व में ही कह चुका हूँ कि उसके लिए आप जब पौधा कमर के ऊंचाई तक हो, यानी टेसल निकलने से पहले, जिसको फूल कहते हैं, निकलने से पहले पौधा अगर चक्रीय अवस्था में है, चक्रीय अवस्था में उसका पत्ता है, तो उस पत्ता में 10 से 12 दाना फोरेट 10G या कार्बोफुरान 3G अवश्य डालें, जिससे उसका संपूर्ण स्वास्थ्य आगे के लिए अच्छा रहता है और किसी भी तरह के कीट का प्रकोप नहीं के बराबर होता है। तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने रबी मक्का की उन्नत खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इनके सुझाव के अनुसार खेती करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और फल अच्छे उपज होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को इस कार्यक्रम में आकर के मक्का की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो परतुदा, देखो इतना बढ़िया जानकारी डॉक्टर नरेश प्रसाद यादव जी हमरे इनके घर बैठले दे दिलाए रवि मक्का कर उन्नत खेती कर बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और अगला क्या जानकारी है? जानकारी तो है, लेकिन बात है समय की कमी है, और समय की कमी है तो हमारे तो इजाजत देखो ने, हमके तो एकदम छोड़ के जाए के मन नहीं करते, ना रोर के ना किसान भाई बहन मन के बुझाते कि और अच्छा अच्छा जानकारी लेते रहूं और अगला दिन फिर तैयारी करूं वह चीज कर खेती करें। बिल्कुल सही कहती। तो ये सब चीज तो हमारे जानकारी दो अगला अंक में जी। लेकिन एक से पहले हमारे किसान भाई मन से कहे चाहब कि हमारे कर कार्यक्रम डार्विन के कैसे लागल, और एक बारे में कोई सुझाव हुई या फिर ऐसा कोई जानकारी हुई तो हमारे के जरूर से जरूर खत लिख भेजो। जी बिल्कुल। और अगर कार्यक्रम में कुछ नया अपन भी रोरे मन चाहती तो उकरो बारे में बेहिचक रोरे मन हमरे के लिख भेजो, ताकि हमरे कुछ और नया दिखा पाए। तो चलो किसान भाई मन, हमरे कर पता नोट करो। हमरे कर पता है के कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। तो बस यही तरह हमरे के कार्यक्रम के देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। अगला अंक में हमरे ढेर सारा जानकारी लेके फिर से हाजिर हो, तब तक ले हमरे के देव इजाजत। जोहार, जोहार।